मैं केजरीवाल क्यों बनवा कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के कहना करबाली क्यों ही बोले भाई, ये बात की चुगता भी रहे। भारत सरकार थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी चल रही है अभी, क्यों मैं आरएसएस को थोड़ा सा आईना दिखाता रहता हूं, तो ये देश के मायने सबसे जरूरी है, ये आरएसएस ने ठीक कर लो। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति तो देखो राजनीति की बातें ही करता है, लेकिन मैं चूंकि प्रोफेशनली पहले एडवोकेट भी रहा हूं, वकील तो आज भी हूं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाता, क्योंकि आपने लक्ष्मणगढ़ वालों ने दोबारा प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं दिया। आपने कहा आपको यही प्रैक्टिस करो, हमारी सेवा करो, हमारे लिए बजट लाओ, हमारा विकास करो, हमारे कल्याण के लिए काम करो और हम आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। तो ये सिलसिला एसपी साहब हमारा चलता आ रहा है, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि ये चलता ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये कह रखा है कि अगर आप राजनीति के माध्यम से जो उद्देश्य सही मायने में सेवा होता है लोगों का, अगर ईमानदारी से दिल से अगर उस काम को आप करते हो तो जनता कभी भी आपको निराश नहीं करती। और आप में खुद में ही कमजोरी आ गई, खुद में ही बेईमानी आ गई, खुद में ही ये हो गया आप जीतोगे, पांच साल आखिरी छह आठ महीने काम कर लेंगे, देख लेंगे, तो फिर ये जो आंखें हैं ना, ये पूरी देश और दुनिया को देखती हैं। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान होता है, वो खुद समझता है कि मेरा कल्याण किसमें है, मेरा नेता क्या कर रहा है। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि राजनीति में रहते वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा सावचेत रहना चाहिए, क्योंकि एक घर परिवार का कर्ता खानदान होता है, उसके बारे में समाज के लोग देखते रहते हैं कि कैसा है, क्या कर रहा है, कहां जाता है, कहां होता है, कहां बैठता है। एक पार्षद के लिए उसका मोहल्ला होगा, चेयरमैन के लिए उसका नगर होगा, एमएलए के लिए उसका विधानसभा क्षेत्र होगा, लेकिन जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओ कि जब प्रदेश की जिम्मेदारी आपके हो, तो मैं मानता हूं कि प्रदेश के लोगों की हर दो आंखें, हर व्यक्ति की दो आंखें उसको इस नजर से देखती हैं कि हमारा आदमी कैसा है, कहां बैठता है, कहां उठता है, क्या काम करता है, क्या बोलता है। अभी धोलखा साहब ने कहा कि हम इनकी इस अदा को पसंद करते हैं, ये बाई बर्थ बाई नेचर होती है। मैं जब गलत बोलता ही नहीं तो यू टर्न क्यों करूं भाई, मैं केजरीवाल क्यों बनवा करता हूं। केजरीवाल ने कहा बिजनेस क्लास में नहीं जाऊंगा, लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और उस भले आदमी को पूछे ये तीन तीन चार चार जो स्टेट में तू चुनाव लड़ रहा है, इतने एड दे रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, कहां से कर रहा है भाई, तू तो ईमानदार था ना। तो आदमी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो उसको वापस घूम करके खुद की तरफ आ जाए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे लक्ष्मणगढ़ जैसा क्षेत्र मिला, यहाँ के लोग मिले, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद कोई कमी नहीं रखी। मैं समझता हूं कि आज जो मेरी हैसियत है वो लक्ष्मणगढ़ के लोगों की, इन लोगों की वजह से है। क्योंकि मैं वकालत करता था, मेरा अपना लिमिट एरिया था, लेकिन आज जो मैं जिस स्थिति में पार्टी में और जनप्रतिनिधि के रूप में हूं, शिक्षा मंत्रालय मुझे मिला, मेरे पिताजी टीचर थे, उन्होंने हमें संस्कार दिए, मेरे गुरुजनों ने मेरे को पढ़ाया, शिक्षा दिलाई, और एक टीचर का बेटा अगर देश प्रदेश का शिक्षा मंत्री बन जाए तो उसके बाद में उसकी क्या कल्पना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मंत्री से पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा कोई नहीं लेना चाहता। मैंने कहा आपने पहला पूछा होता तो भी मैं शिक्षा मांग लेता, मुझे डर रहता आप दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि ये शिक्षा है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोई भी मुख्यमंत्री देता नहीं है, शहर के लोगों को देते हैं, और 80% होते ग्रामीण है, उन विचारों की कोई सुध लेने वाला होता ही नहीं है। मैंने जब मुझे मिला तो मैंने सोचा अब ठोक के काम करना है, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मुख्यमंत्री ने पूरा आशीर्वाद दिया। एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में कोई सोच सकता था क्या? मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाने से पहले ही मैंने बाइट दे दी। मुख्यमंत्री जी ने अखबार में आया तो एक बीकानेर की कोई महर्षि दे पंडित जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि ये तो राजस्थान सरकार अगर शिक्षा मंत्री की सोच के मुताबिक चल रही है तो शराब की दुकान के
ऊपर गांधी जी का नाम लिखने जैसा काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी गांधीवादी विचारों के प्रतीक और बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज करवाया कि डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी आपकी पेशी है, आपको मुख्यमंत्री जी ने सीएमओ में बुलाया है और महात्मा गांधी ये जो अंग्रेजी स्कूल आप खोल रहे हो इसके संबंध में आप जो भी है वो कागज पन्ने लेके आना। ठीक है, मंत्री मुख्यमंत्री के पेशी में जाए तो सजग होके जाए। तो उन्होंने कहा यार ये आपका स्टेटमेंट आया है, आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो मेरे समझ में आती है लेकिन इसके ऊपर महात्मा गांधी का नाम क्यों दे रहे हो। मैंने कहा महात्मा गांधी का नाम देने में क्या बुराई है आप बताओ। तो मैंने पढ़ दिया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा वो बीकानेर के एक पंडित जी हैं, वो संस्कृत को ज्यादा लोग लिखते रहते हैं, उनका आया दिखती है चिट्ठी। तो हंसने लगे, तो मैंने कहा मैं तो साफ बता दूं आपको, मैंने कहा मोदी जी महात्मा गांधी जी का चश्मा तो स्वच्छता में ले गए, महात्मा गांधी को ले जाएंगे, रख लो कांग्रेस का है और कांग्रेस महात्मा गांधी। मन से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये लाइव हो रहा है तो ये मुख्यमंत्री तक की बात जाएगी, सही नहीं होता तो मैं क्यों कहता यहां। तो हंसने लग गए कि यार देख ले, मैं कहा ये महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज रिबंद करा दो, अंग्रेजी में पढ़ाई कराते हैं, महात्मा गांधी का नाम है महात्मा गांधी जी। मैंने कहा आप तो जानते हो मेरे से ज्यादा, आपने महात्मा गांधी को पढ़ा है, वो बैरिस्टर थे बिलाइट में वकालत करते थे अंग्रेजी, वो ये कहते थे कि पहले अपनी मातृभाषा जानो और उसके बाद में सब भाषाएं का ज्ञान प्राप्त करो। तो आज जब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो जरूरी है। तो उन्होंने कहा मैं तेरी बात से 100% सहमत हूं, तू ठोक के काम कर ले, आज के बाद में तेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जो शिक्षा में करना होता है। और हमने वैसा कमी नहीं छोड़ी, इन मास्टरों को भी ठीक ठाक जगह लगाया, जिसको लगाना था लगाया और नवाचार की दुनिया भर के, और पहला स्टेट है। अब इंप्लीमेंट कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ये चलता रहेगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मैंने कह दिया जिस स्कूल में छठी से आठवीं में 10 बच्चे अल्पसंख्यक हो वहां पर 100% टीचर लगेगा लगेगा लगेगा। ये मनमोहन सिंह कमेटी ने फैसला दिया था, हमारी सरकारें भी आई दूसरी भी रही, ये मुख्यमंत्री जी भी रहे, इंप्लीमेंट 1% भी एक भी नहीं कर पाए थे। लेकिन अब की बार मैंने ठोक ठोक के कहा कि संस्कृत 10 पढ़ रहे तो संस्कृत ठीक है, उर्दू पढ़ रहे तो उर्दू ठीक है, सिंधी पढ़ रहे तो सिंधी ठीक है, पंजाबी पढ़ रहे तो पंजाबी ठीक है। अब ठीक है दे रहे दुरुस्त आए, लेकिन ये फैसला किया और लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। मैं समझता हूं कि लक्ष्मणगढ़ की बात करूं तो मैं लक्ष्मणगढ़ में तो देखो मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है कि एक मास्टर के बेटे को पहली बार आया, चाहे कितने से ही सही एमएलए बना दिया, 3 बार लगातार बना दिया, तो जो आपने मेरे पे एहसान कर रखे कर चढ़ा रखा है वो तो मैं क्या मेरी औलादें भी आपका कर्ज उतार नहीं सकती। क्योंकि हमने कभी कल्पना नहीं की थी गांव में पंच कौन बनाया, लोग गांव में सरपंच कौन बनाया, मारे दादो हो जाके साहब तुम्हारा दादाजी आज तो मैं दादाजी क्या करता कि जो ही सरपंच पंच का चुनाव आता है जना कहता वो तो सरपंच को उम्मीदवार मारो वगो और वो पंच को उम्मीदवार वगो। अब खुद नाम काट दे तो खुद को नाम कौन काटे मनिया बताओ है। तो अब का एमएलए जनरल में कोई कोई नाम कौन काटे, बोची खां से बैठ गए। मैं क्यों यार आप ही निकल जाए तो ठीक है, अब दादा ने गलती आपा नहीं करा तो दादा के जी की पुण्याई करेड़ी अच्छा काम करेड़ा है, पिताजी का अच्छा काम करेड़ा है तो भी को अपन लाभ के मेरे मिल जाए। और हुआ, आप सब लोगों ने अनजान था कितनी भ्रांतियां फैलाई गई, दुकानें बंद कर देगा, जाट आ जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी, कब्जे हो जाएंगे। आज की तारीख पर 1 इंच पे भी कोई कब्जा हुआ क्या, किसी की दुकान पे कोई बदमाशी हुई क्या? साल में एक आधी बार प्रयास करते हैं और उसी टाइम पता लगता है ना, उसी टाइम चुटकी बजा देता हूं कि छोड़ के चले जाना वरना ठीक नहीं रहे। ये इसलिए कि आपने मेरे को परिवार का कर्ता मान लिया, कर्ता खानदान मान लिया, मुझे पूरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने मुखिया मान लिया,
अब उसके बाद में भी अगर मैं मेरा तेरा मेरा भाई भतीजा जाति क्षेत्रवाद कुछ करूं तो फिर ठीक नहीं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो काम हम कर सकते हैं, अखबार है, कॉलेज, अंग्रेजी मीडियम, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़कें, लाइटें, ये तो हमारा कर्म है, हमारा फर्ज है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये न मुस्तफा जी कर रहे हैं, न मैं कर रहा हूं, न कोई नेता कर रहा है, किसी के गलतफहमी है। ये आपने मौका दिया तब हमको इसी काम के लिए तो मौका दिया था, झांटी काट पर मौका थोड़ी दियो है। सड़क बढ़ा, पार्क लिया, स्टेडियम लिया, स्कूल खोल, कर्मोन्नत खोल। मैं स्कूल वाला काम है तो बाकी कौन छोटी 100 करोड़ रुपया तो कमरा का ले दिया, अरे 128 स्कूल कर्मोन्नत कर दी। मैं कोई 128 तो 70 साल में खुली होगी, 250 स्कूल है तो जबकि मैंने बोला सारी सारी कर्मोन्नत कर दी, विषय खोल दिया। पहली बार कॉलेज ले हो तो उर्दू साके ले भाइयों, 218 कॉलेज खुली है, आप देख लेना। नेछुआ और लक्ष्मणगढ़ दोनों में 60 में उर्दू है, फतेहपुर को तो मैंने बेरो को नहीं, बाकी 215 में बोली, बाद में बना ही लिया। तो सबका ध्यान रख करके हमको चलना पड़ता है। अभी मुस्तफा भाई जी ने कहा, क्योंकि देखो शिक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए, ये तो मोटिवेशन देने के लिए आए, मैं इनके अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये इनका विषय, मेरा विषय तो जो है सो ही रहने दो। तो मैं तो इतना कह सकता हूं कि देखो बात एक बहुत अच्छी लगी मुझे दौलत खान साहब की, कि आप धैर्य तय कर लो और बच्चे को पूछ करके बच्चे की रुचि से पूछ लो और उसके बाद में आप भी वहीं केंद्रित रहो। मैं, ये मेरा छोटा बेटा है, ये इंजीनियरिंग करके दिल्ली गया, मैं IAS बनूंगा और प्रीमियरी में पहली अटेम्प्ट में 2 नंबर या 4 नंबर कम रह गए, इसके 106 का सिलेक्शन हुआ, इसके शायद 101 आए। तो मैंने इसको टॉर्चर करके मैंने कहा बन लिया IAS आ जा और RAS की परीक्षा दे, तेरा फार्म भरा देते। अभी कोसता भी होगा मेरे को कि IAS बन जाता तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि यार IAS थोड़ी बन सकता, RAS तो बन जाए, ये RAS बन गया अगर मैं वहां नहीं लाता हो सकता है ये IAS भी बन जाता। तो मेरा कहने का मतलब है मैंने जो गलती की वो आप मत करना। दौलत खान साहब ने सही कहा है कि आप ईमानदारी से यह तय कर लो कि मेरे बच्चे को यह बनाना है, उसके बाद में कोई धरती का धनी रोक नहीं सकता। अगर आपने अपने बच्चे के साथ मिलकर के एम बना लिया, खान साहब आओ आओ यहाँ बने माने सीकर में रहनो है, सुबह ही वारंट जारी हो जाओ को गोविंद डोटा आसरा मकान खाली करे, आ जाओ आ जाओ। तालियां सभापति महोदय के लिए। तो इसलिए ये एम तय करना पड़ेगा, एक अच्छे और बुरे की देखो बच्चे में समझ नहीं होती और व्यक्ति में जब समझ होती है तो उसको बच्चे की अच्छे के लिए जिद है उसको तो पूरा करना चाहिए और बुरे के लिए जिद है उसको कभी नहीं मानना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये एक लाइन आप पकड़ लोगे तो मैं समझता हूं कि सफलता आपके कदम चूमेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपके समाज में चाहे माइनॉरिटी हो SC ST हो, शिक्षा का थोड़ा अभी भी अभाव है, उसके लिए हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। अभी चेयरमैन साहब ने भी कुछ डिमांड्स की है तो मैं आज इस मंच का सदुपयोग करना चाहूंगा और लोग उम्मीद भी करते हैं। तो अभी हमने KGB जो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति मजहब का हो, अगर गरीब का बच्चा है तो उसको हॉस्टल में रह करके पढ़ने के लिए एक KGB स्कूल और हॉस्टल की हमने स्थापना की है, जिसके लिए 4.5 करोड़ रुपए मिल गए हैं, 10-5 दिन में उसका काम चालू हो जाएगा और अगली बार यहाँ सिंगोदरा में शहर के बिल्कुल नजदीक हम उस हॉस्टल को चालू करेंगे। अगले सत्र से हम 100 बच्चों की हॉस्टल वो होगी जिसमें बेटे या बेटी रह सकते हैं। अभी चेयरमैन साहब ने भी मुझे कहा है, साकिर भाई भी कह रहा था, मेरा सदीक भी कह रहा था, यमन वेलफेयर सोसाइटी भी कह रही है और मेरा धर्म भी बनता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी जब सब जगह बन रही है तो लक्ष्मणगढ़ में क्यों नहीं बने। तो
तो मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि आने वाले फरवरी के बजट में आपके लिए भी केजीबी हॉस्टल की तरह 5 करोड़ रुपए से यहां हॉस्टल बना करके आपके माइनॉरिटी के बच्चों को रहने के लिए सुविधा दिया। अभी एक बार और कही कि साहब तार पोल खराब है, सकड़ी गलियां हैं, मैं समझता हूं, और ये माइनॉरिटी को बोलना विशेष परेशानी रहती है। बच्चे बाहर खेलते भी हैं, सड़क सकड़ी भी होती है, पुराने पोल भी लगे हुए हैं। तो मैं आज तैयारी करके आया, मैंने कई दिन से मैं ट्राई कर रहा था, आज इस मंच के माध्यम से मैं बिजली विभाग के लिए एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में शहर सहित 2 साल में, इस साल और अगले साल 2 साल में 71.80 करोड़ रुपए का काम हम लोग बिजली कर सकते हैं। पूनम 71.80, जिसमें से 40 करोड़ रुपए शहर लक्ष्मणगढ़ में लगेंगे। 40 करोड़ पहले फेज में हम लोग 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल और दूसरे फेज में फिर जितनी चाहे उतनी। पहले फेज के स्वीकृति जारी हो गई है, टेंडर प्रक्रिया चल रही है, तो सबसे पहले हम वहां लेंगे केबल जहां पर इन तारों का बहुत जंजाल है और लोहे के पोल हैं। आप समझ रहे हो ना, कहने की जरूरत नहीं। चेयरमैन साहब, जो आपने बजट दिया है, अब बजट में तो देखो सरकार थोड़ी बहुत कमी बती कर दे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नया नगर पालिका भवन आपको इस फरवरी के बजट में ला कर देते हैं। सीवरेज सीकर में ही बन बढ़िया, मैं जिस इलाके में रहता हूं जहां सीकर में 40% से ज्यादा इलाका सीकर का लक्ष्मणगढ़ और पिपराली रोड में रहता है, वहां पर अभी तक 1 इंच भी नहीं बनी, न ड्रेनेज का सिस्टम है। लेकिन आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी को मैं 2013 में 11-12 में लाया था यहाँ, और आपने देखा होगा कि शिलान्यास कार्यक्रम किया, तो मैंने एक ही डिमांड की थी लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज हो। 100 करोड़ रुपए लगकर के सीवरेज हो गई और बकाया जो भी रह गई उसकी DPR जो मुझे दी गई है, मैं आने वाले बजट में फरवरी में उसको भी स्वीकृत करा दूंगा, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ड्रेनेज के लिए 10-11 करोड़ रुपए ला करके आपका ड्रेनेज चल ही रहा है। आपकी बार सबसे ज्यादा बरसात हुई पिछले 20-30 साल में, लेकिन एक दिन भी जनरेटर लगाना पड़ा गया, एक दिन भी कभी ये किसी का फोन नहीं आया कि साहब लक्ष्मणगढ़ में पानी भर गया, क्योंकि ये कटोरी नुमा है तो यहाँ पानी भरता ही भरता है, लेकिन सारा का सारा पानी जो है वो ट्रीट होकर के और हमारे पार्क में जाएगा, और ये हमारे सारे के सारे लोग पार्क में सुबह घूमेंगे, हमारे स्टेडियम में घूमते हैं। मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी चीजें जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। आपने मुझे खूब लंबा सुन लिया, मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि साहब रोजाना कुछ न कुछ लक्ष्मणगढ़ का विकास की घोषणा होती रहती है, तो एक कल परसों मैंने 28 करोड़ की सड़कें दी थी, 14 करोड़ की सड़क हमने और स्वीकृत कराई है जो फतेहपुर से लेकर के लक्ष्मणगढ़ पाटोदा फागड़वा तक आएगी, पाटड़ा नावोर जाजो धोती भी, उसके भी 14 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, उसके भी टेंडर जल्दी हो जाएंगे, और मैं जब भी जयपुर जाऊंगा तो कुछ न कुछ लक्ष्मणगढ़ के लिए लेकर के आऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सबका मान और सम्मान कहीं भी राजस्थान में किसी भी कोने में जाकर के लक्ष्मणगढ़ और गोविंद डोटासरा बोल दीजिए, आपका काम नहीं होने वाला भी हो जाएगा, जायज काम होगा तो ये मेरी गारंटी। जायज काम अगर कोई नहीं कर रहा है गोविंद डोटासरा का नाम बोल देना, नहीं हो तो एक फोन कर देना, नाजायज तो कैसे होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो ताकत दी है, ये जो नाम दिया है, जो पहचान दी है, जो दबंगाई दी है, वो आपके आशीर्वाद से मिली है, मेरे में खुद का कुछ नहीं है। आप अगर 3 बार यहां से नहीं जिताते तो गोविंद डोटासरा की ताकत नहीं थी कि उसके नाम से कोई काम हो जाए। मैं तो क्यों छोड़ू ही मनी, पर मेरी एक आदत है कि कोई चीज मेरे समझ में नहीं आवे पा मैं मंच पर आऊं बोलूं बोलनी काल न बात खराब हो जाए, क्योंकि बीजेपी के कहना करवाने क्यों ही बोले भाई, ये बात की चुगता फिर है।
अरे कोई बात चुगलिए पूनम ने पूछा को बाइट काट दीजिए डोटासरो बोलियो नहीं यार यहाँ कर दूंगा। और मैं हमेशा मन से बोलता हूँ, सीधा इसलिए बोलता हूँ कि मेरे में ताकत आती है फिर वो काम करने की। मुझे हर पल याद रहता है कि मैंने क्या बोला था, वो चीज याद रहती है मेरे। और याद रहती है जिसके सारे दिन याद रहती है ना, वो चीजें फिर आदमी करता ही है। तो पारिक साहब कह जाए देखो मन तो दिन में सपना सपना तो आवे कोई है, कह मन रात में को नहीं आवे दिन में आवे। आप आपकी स्टाइल है, कोई दिन में ले ले कोई रात में ले ले। मैं तो जकी बोलू ने थे मैंने कहो और मैं घोषणा करती हूँ बात में दिमाग में भी राखू री मोबाइल में भी रेडी राखू जब भी ठालो टेम में मैं सुन बो करू अगर आप कह रहा वो काम अपन कर लू अत्ता ही सपना प्रयास त्याग प्रयास तो हर बात का तैयार है चाहे कब्रिस्तान की जमीन की बात हो क्योंकि और तो जमीन है नहीं वन विभाग की है तो ये वन विभाग केंद्र का वहां से होता है तो मैं प्रयास करूंगा लेकिन मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये भारत सरकार के कब्जे की बात है भारत सरकार थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी चल रही है अभी क्यों मैं आरएसएस को थोड़ा सा आईना दिखाता रहता हूं कि तुम क्या हो तुम क्या करते हो तुमने क्या किया देश को बांटने के अलावा तुमने कुछ नहीं किया ये सीधा बोलता रहता हूं मैं इसलिए मेरे ऊपर वो नजर रखती है डोटासरा कहां जा रहा है क्या बोल के आ जाएगा। और भाई जी अगर कोई ने ठीक ढंग ठीक करनू है तो ये देश के मायने सबसे जरूरी है ये आरएसएस ने ठीक करनू है। अब आप बताओ पहले तो बोले एससी एसटी का आरक्षण हटाओ बोले कि नहीं बोले और अब क्या कह रहे हैं जनसंख्या के लिए कानून बनाओ तो बना देता आठ साल तक थारो राज हो केंद्र में ये बढ़ाओ ना कौन नट्टे था लोकसभा और राज्यसभा में तो कहते हैं वहां के मंत्री और प्रधानमंत्री कि ऐसा कोई कानून विचाराधीन नहीं है और मोहन भागवत जी कहते हैं कि नहीं वो इसलिए कहते हैं कि वो टारगेट कर रहे हैं एक वर्ग विशेष को और एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए छोटे वर्ग को जिसकी संख्या भारत में कम है उन वर्गों को टारगेट करके वो ऐसे बयान देते हैं। इनको सबक सिखाना है इनको ठीक करना है मैं कंधे से कंधे मिला के आपके साथ हूं मैं कभी यू टर्न नहीं लूंगा जान चली जाए लेकिन आरएसएस के लिए मेरे जो विचार हैं कि वो ये देश को खराब करने का काम करते हैं बर्बाद करने का काम करते हैं नफरत फैलाने का काम करते हैं इसके अलावा कुछ नहीं करते वो पहले भी थे आज भी हैं और आगे भी रहे ये कभी ठीक हो ही नहीं सकते। 17 साल का आदमी 80 साल के को भाई साहब प्रणाम 17 साल का आदमी 80 साल के को भाई साहब प्रणाम ये चापलूसी है और क्या बताओ आप प्रकाष्ठा है चापलूसी 80 साल का आदमी 17 साल के को क्या बात हुई 17 वाला तो 80 को कहे वो तो ठीक है 18 वाले को भी कह सकता है 17 वाला भाई साहब प्रणाम 1 साल बड़ा है तो भाई साहब 80 साल का आदमी आरएसएस का आदमी 17 साल के आदमी को पटाने के लिए भाई साहब प्रणाम समझो भाई पहली जी मोबाइल में गलत पड़ गई है तो मैंने डिलीट कर दीजिए मेरा मतलब वही है कि 17 साल का आदमी ने 80 साल को प्रणाम भाई साहब नहीं कह सकता वो ये कहते हैं मतलब कथनी और करनी में इनके फर्क है और इनका जवाब यही है कि माइनॉरिटी के एससी एसटी के बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे जोर दें शिक्षा पे जोर दें यही एक हथियार है जिसके माध्यम से इनको ठीक किया जा सकता है इनको ठीक किया जा सकता है। और दूसरा हथियार है वोट वोट की चोट है ना वो सत्ता से दूर कर देती है ऐसे लोग तो 2023 में आप सब आशीर्वाद पुनः कांग्रेस की सरकार को देंगे क्या बनाना है इसको इसको जिला कलेक्टर के बराबर बैठाना है 15 दिन के अंदर अंदर ये जिला कलेक्टर के बराबर मीटिंग में बैठ जाएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय लिया और कोई ऐसी वैसी बात कह गई सम्मानित मन से भी माफी चाहता हूँ आपसे भी चाहता हूँ मेरे के क्या बोलबाल आ गया बचा आपका आदमी सुना जा रही हो कौन जाए अबे शशि जी उनके तकलीफ तो हो रही है छापड़ी पड़ सी मैं रिटा ही घोषणा करूं बताओ हाँ राखो थारा विचार थारी जगह लेकिन
मरोड़ तो देखो यार, ये तो चून तो गालो तो गालो, मरोड़ तो देखो। अगर 15 साल में एक आदमी शहर का, किसी भी जाति का, संप्रदाय का, मजहब का, कोई भी आदमी ये कह दे कि गोविंद डोटासरा ये गलत काम कर गया, तो आप कहो सुसजा भुगतने को तैयार। मैं गलत करता ही, मैं शहर की तरफ केवल इतना ही देखता हूं कि मेरे को विकास क्या कराना है। बाकी कौन गुमटी गाले, कौन छाछा काटे, कौन बारे सड़क रोके, मैं देखू को नहीं। नगर पालिका जाना है, शहर का नागरिक जाना है, ठीक है कि? तो इसलिए ठीक है, ज्यादा हो गया, ज्यादा में ज्यादा नहीं हो जाए, चुनाव सांकड़ा आ रहा है। अरे भाई जी, छोटो काम मांग लियो, तारी पे हम दे दिया अभी मैं, काल ही करा देंगे। मिडिल स्कूल के मायने बालिकाओं के लिए टॉयलेट, यूरिनल। और मैं तो ये कहता चाहता हूँ कि पूरे शहर में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर बेटे और बेटियों के लिए कोई टॉयलेट की, शौचालय की, किसी की भी खेल की सामग्री की आवश्यकता हो, मुझे लिख के दे दीजिए, 72 घंटे में स्वीकृति मिल जाएगी। इसमें तो इनफाइट चीज है, पूरे क्षेत्र में कोई भी, किसी भी गांव में, किसी भी स्कूल में, किसी भी मदरसे में, कहीं भी। तो ये तो हमारे पहली प्राथमिकता में, मेरे पास पहले आई नहीं, पहले हो जाती। तो घोषणाएं काफी हो गई है, 5 करोड़ की अल्पसंख्यक छात्रावास, 71.80 करोड़ के बिजली का काम, और नगर पालिका के मैंने अभी बताई दिए जितने काम, ये सब हम आगामी बजट में करेंगे। बिजली वाला काम हम जल्दी टेंडर करवा करके शुरू करवा देंगे। आप सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छे मंच को आपने बुलाया है, इनके ज्ञान का लाभ लेना है, इनके अनुभव का लाभ लेना है। और एसपी साहब आईपीएस बन जाए, लेकिन जिले में जो तहस भी नहीं लागे, लोग एसपी कौन कर। तो कॉपी में प्रयास करांगा, फिर तो आओ बीच बीच में आपस के मायनिया कर लियो, जरा कई तरह की बात आ जाए। अब हमारी जिम्मेदारी है, चिंता मत करो, मुख्यमंत्री जी ने था कि पैर भी सुप्रीम कोर्ट के वकील के नहीं करांगा। जाके साहब की आलाम में भी ऊर्जा है, तो आगे भी आगे और आगे ऊर्जा को सदुपयोग, वही बात को भी प्रयास करांगा। और सगड़ा लोग मिल, और देखो जब बढ़िया सरकार काम करे, मुख्यमंत्री जी अति अच्छी योजना लेवे, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना है, किसान के लिए है, गरीबों के लिए है, बच्चा के पढ़ाई के लिए है, कॉलेज खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है, अल्पसंख्यक के लिए बजट दे रहा है, सब काम कर रहा है जना। अब से लाग छोटी मोटी आपस की जगह है ना, वहां मेट और पूरे देश प्रदेश के मायने पूरे में लाग जाओ कि भाई कांग्रेस की सरकार ही शानदार है, आई विकास कर सके, भाजपा को नहीं कर सके। यहां को एक मुहिम चला दो, अपनी सोसाइटी है, अपना ही लोग है। ये मैं तो राजनीति की बात कर दी है भाई, कोई ने बुरी लागे तो माफ कर दियो, लेकिन अब मौको है। मोदी में आप लोग क्यों शीर को नहीं है, मैं थाने बता दू, मैं आरएसएस में शीर है। अब बात करते हुए मेरी बात समाप्त करना चाहूं कि मन बुलायो, मेरो सम्मान करियो, और बीच में मौको दियो, ताता बड़ा के बीच के मायने में कायदों को नहीं हो, लेकिन दे दियो, इसके लिए भी मैं थाने धन्यवाद देना चाहूं। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदर। और एक बात और करना चाहूं भाई, जीवन खान जी अब कण दूसरे टेन्योर के मायने जिया जोरदार काम कर रहा है, आज बुरी बुरी प्रशंसा है। पहले में तो मैं थोड़ा सा नाराज होते वो साफ बात, लेकिन उसके बाद में हमारे बात हुई बके साहब यस ठीक है। बाद के मायने आज पूरे राजस्थान में सीकर नगर परिषद के मायने सबसे बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया विकास का काम हो रहा है। सबकी सुने और सबका काम करे, इसके लिए मेरो धर्म बढ़े, मेरो फर्ज बढ़े कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में थे आया, तो महमूद साहब आपकी जीवन खान जी की आपको भी क्यों करना है तो बता दीजिए। मेरे कहना तो था के लिए खाली बनने पर हस्ताक्षर तैयार है, आका दिएड़ा है, ऐसे की बात कैसी बात मैं नाट खोल सकू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय। महमूद साहब भी हमारा बहुत पुराना मित्र है, और आम भी करंट जोरदार है, तो आगे भी सेवा को सदुपयोग कराऊंगा। तो मैं तो ही कहते हुए अमन वेलफेयर सोसाइटी के सभी आयोजकों को, सिराज भाई को, राहुल को, किस किस का नाम लू, सबको ही दे देता हूँ। ये हमारे जमील भाई साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सारे के सारे बैठे हैं,
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।